कोरोना ने कई परिवार उजाड़ दिए हैं, कई बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया छिन गया है। कोटा की मीनाक्षी और तोशिका पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इन दो लड़कियों के सिर से एक महीने के अंदर ही माता पिता का साया छिन गया। पहले कोरोना के कारण पिता ने दम तोड़ दिया, वहीं एक महीने गुजरता उससे पहले ब्लैक फंगस के कारण माँ की भी मौत हो गई। इन दोनों बहनों को दुख की घड़ी में रोने के लिए परिवार का कंधा भी नहीं मिल सका। मीनाक्षी और तोशिका माता पिता के साथ कोटा में रहती थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहते हैं। ऐसे में बॉर्डर सील होने के कारण कोई नहीं आ सका। दोनों बहनों ने पहले पिता और फिर माँ को मुखाग्नि दी, अकेले ही अंतिम संस्कार किया। एक महीने में अनाथ हो गई दोनों लड़कियों के अंदर दुख के साथ ही खराब मेडिकल सिस्टम के प्रति आक्रोश है। एमबीएस में बेड खाली नहीं था, एमबीएस वालों ने आगे भगा दिया रैन बसेरे में। ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं था, मेरे पापा बाहर व्हीलचेयर पे धूप में बैठे रहे, लेकिन उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं देने आया वहाँ से कोई। जब पेशेंट बीमार है या उनका सेचुरेशन आप देख रहे हैं कि 56 आ रहा है, तो उनको आपको ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करवा दीजिए, एटलीस्ट बेड नहीं है तो उस टाइम पर उनको रिलीफ के लिए इंजेक्शन मिलते हैं ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, वो आपको कर देना चाहिए था क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। मेरे पापा को मैं घर लेकर आ गई, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का हमने कैसे तैसे बंदोबस्त करा, तो रेगुलेटर नहीं था हमारे पास, रेगुलेटर का जब तक हम अरेंजमेंट करते तब तक हमारे पापा के प्राण निकल। सुधा कैंसर हॉस्पिटल है जगपुरा में, वहाँ पे हमें एक बेड अवेलेबल हुआ तो हमने वहाँ पे एडमिट करवाया मम्मी को। फिर वहाँ पे मम्मी को 18-20 डेज की करवाया एडमिट, वहाँ पे मेडिसिन भी पूरी अवेलेबल नहीं थी, वो हमने बाहर से अरेंजमेंट किया। रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए हमने ओम बिरला जी से कॉन्टेक्ट किया, उनके थ्रू हमें रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले, नहीं तो नॉर्मल लोगों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे थे वहाँ पे। देन उसके बाद मम्मी रिकवर हुई तो मम्मी को आई में स्वेलिंग आई, तो हमने फर्स्ट डे ही उनको रिपोर्ट किया, बट को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 3 डेज तो उन्होंने निकाली अच्छे, तो उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जी घबरा रहा था उनका, तो वो हमसे बोल रही थी। तो उसके बाद डॉक्टर जब विजिट को आते थे तो वो अटेंडेंस को रुकने नहीं देते थे, और 3-4 टाइप के डॉक्टर्स आते थे तो मेडिसिन डिपार्टमेंट वाला ही मेडिसिन लिख के देता था, मेडिसिन डिपार्टमेंट वाले जो करते वो एक अटेंडर को रुकने नहीं देते। उसके बाद जो एनएस की बॉटल थी उनसे भी उनका जी घबराया, तो वो हटा के चले गए, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। फिर हमने हमारे सोर्स के थ्रू ही मम्मी के लिए रात नाइट में आईसीयू, एकता मैम के थ्रू आईसीयू फिर अवेलेबल हुआ, तो उन्हें वेंटिलेटर पे जाना पड़ा क्योंकि दिन भर में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी, अगर दिन में होता तो वो शायद हमारे साथ होती आज। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले भी ठीक नहीं थी, परिवार का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। बड़ी बहन मीनाक्षी निजी स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन स्कूल बंद होने से वो बेरोजगार है। वही छोटी बेटी तोशिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी भी नौकरी छिन गई है। ऐसे में दोनों के सामने दोहरा संकट है कि वो अपना जीवन यापन कैसे करें और माता पिता के इलाज के लिए लिए गए कर्ज को कैसे चुकाएं। दोनों को फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईटीवी भारत के लिए कोटा से मनीष गौतम की रिपोर्ट।